गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल मैंने आपको पाठचार का अभ्यास कार्य समझाया, आज मैं उससे आगे का अभ्यास कार्य आपको समझाऊंगी। अधोलिखितेषु क्रियापदेषु प्रयुक्ता लकारं पुरुषं वचनं च लिखत। निम्नलिखित क्रियापदों में प्रयुक्त लकार, पुरुष और वचन लिखिए। तो क्रियापद है अस्ति, लकार है लट लकार, प्रथम पुरुष है और एक वचनम। आसीत् लंग लकार, प्रथम पुरुष एक वचनम। आगच्छत् लंग लकार, प्रथम पुरुष एक वचनम। अकरोत् लंग लकार, प्रथम पुरुष एक वचनम। अनुपालयति लंग लकार, प्रथम पुरुष एक वचनम। अयच्छन् लंग लकार, प्रथम पुरुष बहुवचनम। अकरोत् लंग लकार, प्रथम पुरुष एक वचनम। अगमिष्यामि लंग लकार, उत्तम पुरुष एक वचनम। अभवत् लंग लकार, प्रथम पुरुष एक वचनम। कथयन्ति लट लकार, प्रथम पुरुष बहुवचनम। बेटा ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर य। अब मैं आगे समझाती हूँ आपको ट। अधोलिखितानां वाक्यानां संस्कृते अनुवादं कुरुत। निम्नलिखित वाक्यों के संस्कृत में अनुवाद कीजिए। तो गांधी जी सत्य और अहिंसा के उपासक थे। गांधी सत्य अहिंसाया चा उपासक थे। दूसरा है, एक दिन विद्यालय में विद्यालय निरीक्षण के लिए आए। एकस्मिन् दिने विद्यालय निरीक्षक निरीक्षण हेतु आगच्छत। चौथा, तीसरा, मोहनदास ने केटल शब्द को अशुद्ध लिखा। मोहनदासा केटल शब्दम अशुद्धम अलिखत। चौथा, इन्होंने संपूर्ण जीवन नियमों का पालन किया। एतान संपूर्ण जीवनम नियमान अपालयत। पांचवा, भारतीय लोग इन्हें बापू के नाम से पुकारते हैं। भारतीय जना बापू इति कथयन्ति। ये बेटा आपका हो गया क्वेश्चन नंबर टा। ये आपको बुक में करने हैं, ये आपका होमवर्क है। अब है आपका क्रियात्मक कार्यम। चित्रम दृष्ट्वा संस्कृते अनुच्छेदम लिखत। चित्र को देखकर संस्कृत में अनुच्छेद लिखिए। तो ये चित्र दिया हुआ है, इस चित्र को देखो, ये क्या कर रहे हैं, गांधी किसका चित्र है और कौन कौन इनके साथ में है। इस चित्र को देखकर आपको एक अनुच्छेद लिखना है। अब देखिए बेटा, मैं पाठ पाँच का थोड़ा सा आपको सार समझाई देती हूँ। ये है आपका पाठ पाँच, वन महोत्सव। प्रस्तुत पाठ में पर्यावरण की सुरक्षा एवं शुद्धता के लिए संपूर्ण विश्व में मनाए जाने वाले वन महोत्सव का वर्णन किया गया है। इस पाठ में जो है वन का महोत्सव बनाने का प्रयोग किया गया है, इसमें इसी का वर्णन है। तो विद्यालय में वन महोत्सव होता है, सभी छात्र वृक्षारोपण करते हैं। अध्यापक छात्रों को बताते हैं कि आज पर्यावरण दिवस है। हमारी सरकार इस दिन पर्यावरण की रक्षा के लिए संकल्प करती है। अतः सभी कार्यालय संस्थानों और विद्यालयों में पेड़ों अथवा वनों के संरक्षण तथा संवर्धन के लिए वन महोत्सव आयोजित किया जाता है। इसमें
इसमें कुछ छात्र और शिक्षक वार्तालाप भी करते हैं। इससे आगे का कल मैं आपको वन महोत्सव समझाऊंगी। आप ये इतना होमवर्क को बुक में करना है, क्वेश्चन या टा और क्रियात्मक कार्य। धन्यवाद।